हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप जी, ये कार है ग्रैंड i10 एस्टा हुंडई की ऑटोमेटिक। इस कार में गियर ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम है, आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन करते हैं। इसमें जो रिवर्स गियर पार्किंग ये सारे सिस्टम है जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है। अगर आप गियर में लेंगे तो गियर में जाएगा, न्यूट्रल में करेंगे तो न्यूट्रल में जाएगा, डिस्क में करेंगे तो डिस्क में जाएगा। देख सकते हैं अभी हम लोगों ने गाड़ी चालू किया, इसका जो सोलेनोइड अंदर का गियर ट्रांसमिशन में सोलेनोइड है वो चैनल वर्क नहीं कर रहा है, तो बराबर वो क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, अभी हम लोग स्कैन करते हैं उसके बाद। तो ये देख सकते हैं मैंने स्कैन करना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिक सर्च करना है। ऑटोमेटिक सर्च करने के बाद हैंड रिपोर्ट निकाल देना है इसका, पूरा हैंड रिपोर्ट निकालने के बाद देख सकते हैं रीडिंग ले रहा है 100 तक होगा, ऑटोमेटिक स्कैन पूरा हो जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट आएगा। रिपोर्ट में क्या आता है उसके हिसाब से अपने को पता चलेगा कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। तो दिखाता आपको जैसे रिपोर्ट आता है उसमें क्या लिख के आ रहा है, क्या तकलीफें हैं बताता आपको। देखते हैं पूरा स्कैन हो रहा है गाड़ी, थोड़ा टाइम लगेगा 5-10 सेकेंड। रीडिंग ले गया 90 तक हुआ, देख सकते गाड़ी स्कैन पूरा हुआ, देख सकते गाड़ी स्कैन होगी। स्कोर है P0748, देख सकते स्कैनिंग कोड है। तो इसका जो वायरिंग है आपने सिम से लेके गियर ट्रांसमिशन के सोलेनोइड तक वायरिंग चेक करना है। वायरिंग चेक करने के बाद हम लोगों ने वायरिंग चेक किया, वायरिंग चेक करने के बाद एसीएम इसका ख़राब है, तो एसीएम मैंने खोला है। एसीएम अभी आपको रिपेयर करके दिखाता हूँ। एसीएम मैंने खोल दिया, ये देखिए रिपेयर करके कर लिया है, रिपेयर करके अभी लगाएंगे हम लोग एसीएम दूसरी गाड़ी में। एसीएम लगा के आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो हमने एसीएम फिट कर दिया गाड़ी में। इसे फिट करके चला के दिखाता हूँ गाड़ी आपको। देख सकते हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी गाड़ी एकदम मस्त चल रही है टकाटक। पहले जो क्या होता था गाड़ी में 3 नंबर से 4 नंबर जाने में लेट जाता था, गाड़ी में पिकअप नहीं था, जल्दी पिकअप नहीं लेता था, 3 से 4 नंबर जाने में लेट से जाता था। तो अगर आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो उसका एसीएम में प्रॉब्लम है, एसीएम रिपेयर हो जाता है। एसीएम रिपेयर करने के लिए हमारे से कॉन्टेक्ट करें, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम आता है P0748 ये सब कोड आते हैं तो उसका एसीएम का ही प्रॉब्लम रहता है अधिकतर, क्योंकि कैफिको का एसीएम में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं आजकल। देख सकते हैं हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई, थैंक यू सो मच।